हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे डेप्रिसिएशन के बुक के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट करेंगे। अब हम करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के क्वेश्चन। इनको करने से पहले मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड किस हिसाब से अप्लाई किया जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे, हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर ही बेटा सीखा था कि हमारे दो तरह के मेथड होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा हम लोगों ने सीखा था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के बेटा दो नाम और होते हैं, एक होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अगर एग्जाम्पल के तौर पर इसी एग्जाम्पल को हम दोबारा समझेंगे कि अगर मेरा एक एसेट, एक फिक्स्ड एसेट यानी कि एक फर्नीचर, मैंने 1 लाख रुपए का अपने फर्नीचर खरीदा बिजनेस के अंदर, कॉस्ट प्राइस क्या थी 1 लाख रुपए, 3 साल के बाद मुझे इसकी वैल्यू जाननी है कि 3 साल की डेप्रिसिएशन लगने के बाद 10% पर एनम के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी बचेगी। तो फर्स्ट ईयर मैंने क्या किया, डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10% के हिसाब से, तो 1 लाख का 10% 10,000 लेस होगा। तो आफ्टर 1 ईयर जो फर्नीचर की वैल्यू रह जाएगी वो रह जाएगी 90,000। सेकेंड ईयर के अंदर फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज के 10% के हिसाब से, अब ये डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाएगा वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से, यानी कि जो बैलेंस अमाउंट है हमारे एसेट की उसके ऊपर, यानी कि 90,000 का 10% 9,000, फिर की वैल्यू क्या रह गई 81,000। थर्ड ईयर के अंदर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% पर एनम के हिसाब से, और कौन से मेथड पर, जो बैलेंस रह गया है फर्नीचर का 81 का 10%। ठीक है, अगर यहीं पर हम स्ट्रेट लाइन का यूज़ करते तो हर साल 10,000 लेस किया जाता, बट रिटर्न डाउन में क्या होता है, जो वैल्यू रह जाती है किसी भी एसेट की उसको ही हम बेस मानकर डेप्रिशिएट करते हैं, उसी पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो आपको याद आ गया होगा। अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम बुक से। तो बुक के अंदर इसके क्वेश्चन हमें स्टार्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से हमें ये दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका क्वेश्चन एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया गया है, आ बॉयलर वाज परचेज्ड फ्रॉम अब्रॉड फॉर 10,000, शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस ₹2,000, इंपोर्ट ड्यूटी 7,000, एक्सपेंसेस ऑफ इंस्टॉलेशन अमाउंटेड टू ₹1,000, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट 3 ईयर, स्टार्टिंग के 3 सालों का डेप्रिसिएशन आखिर कितना आएगा, सेपरेटली फॉर ईच ईयर, हर एक का अलग अलग साल का आपको कैलकुलेट करना है 10% पर एनम के हिसाब से, और कौन सा मेथड यूज़ करना है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हमें यूज़ करना है। तो हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, वो भी हर एक साल का अलग अलग, और 3 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इसकी एक बॉयलर की। तो सबसे पहले तो हम इस बॉयलर को यहाँ देखेंगे कि आखिरकार इसको परचेज करने के लिए बिजनेस से कितना पैसा गया। ठीक है, तो यहाँ लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे जी बॉयलर, बॉयलर परचेज किया गया है, और जो बॉयलर परचेज किया गया है उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी वैल्यू थी 10,000। ठीक है, आगे क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि उसकी शिपिंग और फॉरवर्डिंग चार्ज, उनके आने का जो खर्चा था, शिपिंग का खर्चा था, उसको ऐड करेंगे, शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, तो कितने हैं 2,000 रुपीज़, वो भी हम ही पे करेंगे। जब हम परचेज कर रहे हैं बॉयलर तो शिपिंग का खर्चा भी हमारा बिजनेस ही पे करेगा, इम्पोर्ट ड्यूटी भी हम लोगों ने पे की है, प्लस में इम्पोर्ट ड्यूटी कितनी 7,000, प्लस में उसको इंस्टॉल करवाने का पैसा भी हमारी पॉकेट से गया, यानी कि इंस्टॉलेशन का पैसा भी बिजनेस की पॉकेट से गया है, कितना पैसा गया है 1,000 रुपये। तो अब्रॉड से एक 10,000 का बॉयलर ख़रीदा गया था, 2,000 रुपये शिपिंग के खर्च हुए, इम्पोर्ट ड्यूटी के 7,000, इंस्टॉलेशन के 1,000 रुपीज़, तो ये बॉयलर कितने का पड़ गया हमारे बिजनेस को 20,000 रुपीज़ का। ये बात क्लियर हो गई आपको।
आगे हमें बोला गया है कि 3 साल के बाद इसके ऊपर इसकी जो वैल्यू कितनी रह जाएगी, तो 20,000 का बॉयलर हमें पड़ गया। तो फर्स्ट ईयर का इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ईयर, और यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ईयर का क्या, डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर का क्या लिखा जाएगा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वो भी किस रेट से, 10% पर एनम के हिसाब से। तो 10% पर एनम के हिसाब से, तो हम ये मान लेते हैं जी बॉयलर टोटल जो वैल्यू है बॉयलर की, बिजनेस को कितने रुपए की पड़ गया, 20,000 का। फर्स्ट ईयर पहले साल जो उसकी वैल्यू कम हुई किसके हिसाब से, 20,000 के हिसाब से। तो यहाँ देखेंगे जी 20,000 इंटू में 10/100 कितना आ जाएगा, 2,000 लेस हो जाएगा। तो ब्रैकेट लगाते हैं लेस करने के लिए, तो उसकी बॉयलर की वैल्यू 1 साल बाद कितनी रह गई, 18,000। इन्होंने 3 साल की बात की है, तो सेकंड ईयर ये लिखेंगे जी सेकंड ईयर का क्या, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, वो भी किस रेट से, 10% पर एनम के हिसाब से। अब जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा वो किस पर किया जाएगा, 18,000 पर। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया, सेकंड का हम कर रहे हैं कि 20 पे था क्योंकि 20 वैल्यू थी, अब किस पे होगा, 18,000 पर। 18,000 मल्टीप्लाई 10/100, 18,000 क्यों, क्योंकि आपको पता है जो वैल्यू रह जाती है वही हमारी डिमिनिशिंग होती है। तो 18,000 मल्टीप्लाई 10/100, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 1,800 से वैल्यू लेस हो जाएगी। तो यहाँ वैल्यू कितनी रह गई, 16,200, 16,200। 2 साल के बाद की वैल्यू आगे, पर हमें जो वैल्यू चाहिए वो 3 साल के बाद की चाहिए बॉयलर की। यहाँ लिखेंगे क्या, 3 ईयर, यानी कि थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, वो भी कितना, 10% के हिसाब से। तो 10% पर एनम करेंगे किसके ऊपर, वो कैलकुलेट किया जाएगा किसके ऊपर, 16,200 के ऊपर। तो यहाँ लिखेंगे 16,200 मल्टीप्लाई 10/100 कितना आ जाएगा, 1,620। तो इसको करेंगे तो आ जाएगा 14,580। यानी कि 3 सालों के बाद उस बॉयलर की वैल्यू जो हमने 20,000 रुपये देकर अपने बिजनेस में खरीदा था उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 14,580 रुपये, 14,580 रुपीज़। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर अमाउंटेड टू रुपीज 4,000 एंड इट्स डिसाइड इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 5% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट एज डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ ईच ईयर शो द लेजर अकाउंट एज इट विल अपीयर ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 ईयर। यानी कि हमें स्टार्टिंग के 4 सालों का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है कितना कम हुआ। शो ऑल्सो हाउ द सेम अमाउंट विल अपीयर इफ इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 5% पर एनम ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस ऑफ एसेट ईच ईयर। आपको मैथड कौन सा यूज करना है, डिमिनिशिंग बैलेंस मैथड, जिसे हम रिटर्न डाउन भी कहते हैं, ठीक है, तो उसका यूज करना है। और हमें 4 साल का क्या बनाना है बेटा, फर्नीचर अकाउंट बनाना है। स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे बोला गया बेटा पहले तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से लिखा है ना, टू इट इज डिसाइडेड राइट ऑफ 5% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट एज डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करके आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और यहाँ पर डिमिनिशिंग से भी करना है, तो दोनों से करना है बेटा। जो 4,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा था अगर हम उसकी वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से कम करते हैं तो उसकी 4 साल बाद वैल्यू क्या बचेगी, और डिमिनिशिंग से वैल्यू इसकी क्या बचेगी 4 साल बाद, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे फॉर्मेट पहले हमने बना रखा है, अगर इस क्वेश्चन को हम स्ट्रेट लाइन मेथड से करेंगे तो क्या होगा, इन दी बुक्स ऑफ अ कंपनी मान लेते हैं भाई, किसी कंपनी का हम क्या बनाते हैं, इन दी बुक्स ऑफ अ कंपनी कोई फर्नीचर अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले तो हम उसे परचेज करेंगे,
अब हमें यहाँ देखेंगे क्वेश्चन के अंदर ईयर मेंशन ही नहीं है। जब मेंशन नहीं है तो हम सपोज कर लेंगे जी 1 अप्रैल मान लेते हैं अपनी तरफ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन के अंदर हमें कहीं पर भी ईयर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर ऐसा नहीं करना तो बेटा आप फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग मान सकते हैं, तो यहाँ लिख भी सकते हैं क्या फर्स्ट ईयर बिगनिंग और फिर एंड, ठीक है, तो यहाँ लिख भी सकते। जब आपको कुछ भी मेंशन नहीं है तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ईयर बिगनिंग, फर्स्ट ईयर बिगनिंग, ठीक है, कुछ मेंशन ही नहीं है आपके पास। टू कैश अकाउंट, आपने क्या खरीदा था, एक फर्नीचर खरीदा था और वो भी कितने वैल्यू का, 4000 का, तो यहाँ लिखा जाएगा 4000, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन थी, बिल्कुल नहीं थी, तो कुछ नहीं करेंगे, सीधा डेप्रिसिएशन लगा देंगे वो भी 5% के हिसाब से। तो ये तो फर्स्ट ईयर की बिगनिंग थी, डेप्रिसिएशन कब लगाते हैं, एंड में, तो यहाँ लिखा जाएगा फर्स्ट ईयर एंड, फर्स्ट ईयर एंड में क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लगाया जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन किस पर लगाएंगे, 4000 वाली फर्नीचर पर, इनटू में रेट क्या है 5%, कुछ मेंशन नहीं है तो पूरे साल का लगाएंगे, तो पूरे साल का कितना आ जाएगा 2000, फिर और कुछ तो है नहीं, तो यहाँ लिखेंगे वही एंड, फर्स्ट ईयर का एंड ही आएगा सेम डेट, बाय बैलेंस कैरेड डाउन, कितना बच जाएगा 4000, और ये बेटा ये 2000 नहीं 200 आएगा, सॉरी 2000 नहीं 200, सॉरी ये आ जाएगा कितना हमारा 3800, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4000, यहाँ पर भी 4000, उसके बाद यहाँ देखेंगे इनका टोटल हो जाएगा। अब बैलेंस कैरी डाउन अपने नेक्स्ट डे क्या बन जाता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्या सेकंड ईयर बिगनिंग, सेकंड ईयर की बिगनिंग में क्या लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 3800, फिर और कुछ तो है नहीं, सेशन एंड करेंगे, क्या लिखेंगे सेकंड ईयर एंड, यहाँ लिखा जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब स्ट्रेट लाइन मेथड का जब यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता है ये सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि हमें करना क्या है 4000 मल्टीप्लाई 5/100, 200 रुपीज़, यहाँ आ जाएगा सेम डेट पर बाय बैलेंस कैरेड डाउन, और बेटे 3800 का हमारा एक फर्नीचर 200 से कम हो गया, कितना रह गया 3600 रह गया, यहाँ टोटल में क्या लिखेंगे 4000, यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा 4000, इसको टोटल कर देंगे। अब जो ये बैलेंस कैरी डाउन अपने नेक्स्ट ईयर क्या बन जाता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेकंड ईयर के बाद क्या आएगा बेटा थर्ड ईयर, तो यहाँ लिखेंगे जी थर्ड ईयर की बिगनिंग के अंदर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन ही तो ब्रॉट डाउन बना है, कितना है 3600, फिर थर्ड ईयर एंड, थर्ड ईयर के एंड में क्या लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना है 4000, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 4000 और उसका 5%, ये भी कितना आ जाएगा 200 रुपये, तो यहाँ कितना बच जाएगा बेटा, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेड डाउन 36 लेस करेंगे 200, कितना रह जाएगा 3400, तो यहाँ देखेंगे टोटल करेंगे कितना आ गया 3600, यहाँ पर भी 3600, फिर इसका टोटल कर देंगे, टोटल करने के बाद यहाँ लाइंस ड्रॉ कर देंगे, फिर आप यहाँ देखेंगे बैलेंस कैरेड डाउन अपने नेक्स्ट डे क्या बन जाता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो थर्ड ईयर के बाद कौन सा आएगा फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर की क्या है बेटा बिगनिंग, इसमें क्या लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अब जो हमारा फर्नीचर रह गया वो उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है 3400, अब फोर्थ ईयर के बाद की निकालनी है हमें कि आफ्टर फोर ईयर्स, तो यहाँ क्या लिखेंगे फोर्थ ईयर एंड बाय
डेप्रिसिएशन अकाउंट स्ट्रेट लाइन के हिसाब से 400 मल्टीप्लाई 5/100 कितना आ जाएगा, 200 रुपीज़। और फोर्थ ईयर के एंड में इसकी वैल्यू क्या बची है, बाय बैलेंस कैरेड डाउन 34 में से लेस करेंगे 200, कितनी वैल्यू रह गई 3200। यहाँ लिखेंगे 3400 और यहाँ पर भी लिखा जाएगा 3400। ठीक है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से जो फर्नीचर आपने स्टार्टिंग में 4000 का खरीदा था, आफ्टर 4 ईयर्स स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 3200। अगर इसी फर्नीचर को हम इसकी वैल्यू निकालते हैं किससे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, तो क्या आएगी, तो वो कर देते हैं। यहाँ लिखा जाएगा फर्स्ट ईयर बिगनिंग, क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, और यहाँ क्या लिखेंगे, 4000 का हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा। सेम वही क्वेश्चन है पर डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज है, अब है रिटर्न डाउन से। क्या लिखेंगे, फर्स्ट ईयर बिगनिंग बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो फर्नीचर की वैल्यू है 4000 मल्टीप्लाई 5/100, ये आ जाएगा 200 रुपीज़। यहाँ लिखेंगे बिगनिंग नहीं बेटा, ये आएगा एंड में निकालते हैं डेप्रिसिएशन, यहाँ पर भी एंड आएगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, यहाँ पे है 4000 रुपीज़ के हमारा फर्नीचर था, टोटल वैल्यू तो वही है, वैल्यू कितनी कम हो गई 200 से, तो अब वैल्यू कितनी रह गई है 3800। कैरेट डाउन अपने नेक्स्ट डे क्या बन जाता है, ब्रॉट डाउन, बट यहाँ क्या करेंगे आप इसको टोटल कर लेंगे और टोटल करने के बाद लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये बन जाएगा कैरी डाउन अगले दिन, ब्रॉड डाउन कब, सेकंड ईयर की बिगनिंग में। तो यहाँ लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आएगा 3800। इसके बाद सेकंड ईयर की एंड में क्या होगा, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब बेटा ध्यान देना है, यहाँ पे हो गया मैटर थोड़ा सा चेंज। अब तक क्या चल रहा था, जो हमने मशीनरी खरीदी थी, जो हमने फर्नीचर खरीदा था, कितनी वैल्यू का 4000 का, अब तो उसी के ऊपर चार्ज कर रहे थे, उसमें तो कोई इशू ही नहीं था कि जो एक बार आपने चार्ज किया, बट यहाँ पे क्या है, अब चेंज है। तो चेंज है तो यहाँ देखेंगे, जो फर्नीचर आपका बचा था 3800 रुपीज़ का, इसके ऊपर 5% लगाएंगे, यह आ जाएगा 190 रुपीज़। ठीक है, तो अब सेकेंड ईयर की एंड में बैलेंस जो बचेगा वो लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, यहाँ लिखेंगे 3800, यहाँ पर भी लिखा जाएगा 3800 टोटल में, और टोटल को कर देंगे भाई ऐसे लाइंस ड्रॉ कर देंगे, तो 3800 में से 190 को लेस करेंगे कितना आ जाएगा 3610। तो सेकेंड ईयर के बाद क्या आएगा, थर्ड ईयर की शुरुआत, थर्ड ईयर की शुरुआत इनकी बिगनिंग में, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 3610, और यहाँ क्या लिखेंगे, थर्ड ईयर की एंड में बाय बैलेंस कैरेट डाउन, सॉरी बेटा बैलेंस कैरेट डाउन से पहले क्या निकालेंगे, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब जो हमारे पास मशीनरी रह गई है वो 3610 की मल्टीप्लाई करेंगे 5%, इसका 5% निकालेंगे बेटा आ जाएगा 180.5, यहाँ लिखेंगे 180.5, टोटल करेंगे टोटल कितना आ जाएगा 3610, थर्ड ईयर की एंड में बाय बैलेंस कैरेट डाउन, इसमें से इसको लेस करेंगे तो आ जाएगा 3429.5। बेटा बैलेंस कैरेट डाउन अपने नेक्स्ट डे क्या बन जाता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे फोर्थ ईयर बिगनिंग टू
बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 3429.5। डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे रिटर्न डाउन के हिसाब से, तो क्या लिखेंगे, फोर्थ ईयर की एंड में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट किसके ऊपर, 3429.5 के ऊपर 5% निकालेंगे, तो बेटा वो आ जाएगा हमारा 171.4। ठीक है, इसका टोटल करेंगे आप लोग तो आ जाएगा 3429.5, 3429.5, और जो बैलेंस बचेगा फोर्थ ईयर के एंड में वो बचेगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना बचेगा, 3258.5, 58.1। ठीक है, तो यानी कि अगर हम फर्नीचर 4000 का परचेज करते हैं और डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो आफ्टर 4 ईयर्स ये 4000 का हमारा फर्नीचर कितने का रह जाएगा, 3200 रुपीज़ का। और अगर इसी फर्नीचर के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं रिटर्न डाउन के हिसाब से, 4000 का परचेज करेंगे और डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से, तो आफ्टर 4 ईयर्स इसकी वैल्यू रह जाएगी 3258। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आप यहाँ देख रहे हैं कि बब्बू परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2020 आ मशीन फॉर 6000। बब्बू ने 1 अप्रैल 2020 को मशीन खरीदी 6000 रुपये की। ऑन 1 अक्टूबर 2020 ही ऑल्सो परचेस्ड अनदर मशीन फॉर 5000। 5000 रुपये की उसने एक मशीन दी और परचेज करी। ऑन 1 अक्टूबर 2021 को ही सोल्ड द मशीन विच परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2024 4000। 1 अक्टूबर 2021 को उसने जो 1 अप्रैल 2020 को 4000 रुपये की एक मशीन दी, जो उसने बेच दिए 4000 रुपये में मशीन दी, जो उसने 1 अप्रैल को परचेज की थी 6000 रुपये में। इट वॉज डिसाइडेड डैट डेप्रिसिएशन 10% पर एनम वॉज टू बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बेटा 10% पर एनम के हिसाब से एवरी ईयर अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से। एज्यूमिंग द अकाउंट वर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021 2022। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, क्या मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर यहाँ सबसे पहले हम परचेज दिखाएंगे, तो मशीनरी अकाउंट ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। तो आप यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले इसको परचेज करके दिखाएंगे, कौन सी डेट को, 2020 को दिया गया था ना 1 अप्रैल 2020, तो यहाँ लिखेंगे जी 2020 और अप्रैल 1st टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये मशीनरी, ये हमने मशीन खरीदी है 1st, तो मशीनरी 1 और कितनी वैल्यू की खरीदी है हमने बेटा, 6000 की। हमने एक और मशीनरी खरीदी है कब, अक्टूबर में, तो क्या लिखेंगे जी, अक्टूबर 1 टू कैश अकाउंट मशीनरी 2, कितनी वैल्यू की परचेज करी है, 5000 रुपीज़ की, तो यहाँ लिखेंगे 5000। उसके बाद और कुछ तो नहीं है, डेप्रिसिएशन लगा देंगे, 31 मार्च का सेशन क्लोज हुआ था 2021 और यहाँ लिखा जाएगा क्या, बाय डेप्रिसिएशन, तो पहले यहाँ लिखेंगे मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ लिखा जाएगा। दो मशीनरी थी, मशीनरी 1 उसकी वैल्यू बेटे कितनी थी, 6000 रुपीज़ थी, इनटू में रेट क्या था, 10% था। टाइम लेंगे, बिल्कुल नहीं बेटा, अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरा साल चलाया हमने मशीन को, टाइम कंसिडर नहीं करेंगे। कितना आ जाएगा आपका, ये 6000 रुपीज़ की मशीन थी ना कि 6 लाख की। 6000 में से बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 600 रुपीज़ का क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन। फिर मशीनरी 2 जो हमारी कितनी थी, 5
1000 रुपीज़ की मशीन दी थी, 10/100 यहाँ टाइम कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि अक्टूबर से लेकर आपने मार्च तक उस मशीनरी को चलाया है 6 मंथ, तो यहाँ आ जाएगा 6/12 और डेप्रिसिएशन आ गया 250 रुपीज़। तो इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 850 रुपीज़। कितना आ जाएगा? 850 रुपीज़ टोटल करेंगे बच्चे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11,000, यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा 11,000। यहाँ लाइन्स ड्रॉ कर देंगे, टोटल जो लाइन होती है हमारे पास टोटलिंग की। अब यहाँ क्या लिखा जाएगा? मार्च 31st को ही लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। 11,000 में से लेस करेंगे 850 को, तो ये आ जाएगा हमारा 10,150। यहाँ लिखेंगे मशीनरी 1, मशीनरी 2। बेटा हमारी फर्स्ट मशीनरी 6,000 की थी, जिसकी वैल्यू 600 से लेस हो गई, तो उसकी वैल्यू कितनी बची? 5,400। सेकेंड मशीनरी थी 5,000 की, जिसकी वैल्यू 250 से लेस हो गई, तो कितनी बची? 4,750। बैलेंस कैरी डाउन अपने नेक्स्ट क्या बन जाता है? बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ लिखा जाएगा कौन सी डेट है? 2021 अप्रैल 1, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 10,150, मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 1 है 5,400 रुपीज़ की और मशीनरी सेकंड है 4,750 रुपीज़ की। उसके बाद देखेंगे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बट यहाँ ध्यान देंगे हमने एक मशीनरी को सोल्ड ऑफ कर दिया जो हमने 1 अप्रैल को खरीदी थी, यानी कि फर्स्ट मशीनरी को हमने क्या किया है? सोल्ड कर दिया। कितने में? 4,000 में। तो बेटा हमने अक्टूबर तक तो उसका चलाया होगा ना, अक्टूबर तक तो उसका यूज़ किया, तो क्या लिखा जाएगा? 2021 अक्टूबर 1 तक तो हमने उसका यूज़ किया है मशीनरी का, तो जब यूज़ किया है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगेगा, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कौन सी मशीनरी को हम सोल्ड कर रहे हैं, किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है? फर्स्ट वाली पर, ठीक है। किसके ऊपर लगेगा बेटा? फर्स्ट वाली पर, 5,400 जिसकी वैल्यू बची हुई है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5,400 इनटू में 10/100 इनटू में टाइम लेंगे, बिल्कुल लेंगे बेटा, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का 6 मंथ टाइम आ जाएगा हमारा। इसको सॉल्व करेंगे अगर 270 रुपीज़ डेप्रिसिएशन के ऊपर लग गया। अब सोल्ड किया है तो यहाँ लिखेंगे जी अक्टूबर 1 को सोल्ड किया है, सोल्ड करेंगे पैसा आएगा बाय कैश अकाउंट, कौन सी मशीनरी को सोल्ड कर रहे हैं? मशीनरी 1 को सोल्ड किया जा रहा है, उसकी सेल की जा रही है, किस वैल्यू पर? 4,000 के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हमें प्रॉफिट हुआ है लॉस। बेटा 5,400 का हमारा क्या था? मशीनरी थी जिसको हमने जिसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई कितनी? 2,270 से उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई। अब हमने 4,000 में उसको क्या कर दिया? सेल कर दिया। तो आप मैं रिटर्न करके आपको दिखा देता हूँ एक बार ही। तो आप यहाँ देखेंगे मशीनरी 1 जो 6,000 रुपये की हम लोगों ने खरीदी थी उसकी वैल्यू कम होती गई, तो ये तो होता था अगर हम स्ट्रेट लाइन करते। तो यहाँ देखेंगे मशीनरी 1 जिसकी वैल्यू रह कितनी गई थी? 5,400, ध्यान दें उसकी वैल्यू बेटा इस साल हमने 6 मंथ यूज़ किया, उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई? 270 से। तो लेस करेंगे जी डेप्रिसिएशन, 270 से इसकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। कितनी वैल्यू बच गई? 5,000 और ये आ जाएगा हमारा 130, ठीक है ना। ये कितना आ गया? 5,130 का सामान था बेटा, सेल कितने में किया हम लोगों ने? 4,000 में। तो बेटा 5,130 का सामान अगर 4,000 में सेल करोगे तो लॉस कितना हो गया? 1,130 का बिजनेस में लॉस हो गया इस मशीनरी के ऊपर, 1,130 का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो यहाँ लिखेंगे क्या? अक्टूबर 1 को हमें पता लग गया जी लॉस हो गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ लिखा जाएगा लॉस कितना हो गया? 1,130 का लॉस हो गया। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे और कुछ है नहीं है, सीधा डेप्रिसिएशन लगा देंगे सेकंड मशीनरी पर। फर्स्ट को तो सोल्ड कर दिया, सेकंड तो अभी भी बिजनेस के अंदर है ना, अभी डेप्रिसिएशन कब लगेगा? सेशन के एंड होने के बाद, 2022 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी सेकंड।
इसकी वैल्यू कितनी थी? 4750। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे पूरे ईयर के हिसाब से। 4750 10/100 टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि हमने अप्रैल से लेकर मार्च तक यूज़ किया, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आ जाएगा 475 का डेप्रिसिएशन आ गया। अब क्या करेंगे इसमें? सीधा लिख देंगे बेटा, क्या लिख दिया जाएगा? March 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। इसको टोटल करेंगे तो टोटल में तो यही आएगा हमारा, क्या आएगा? 10,150। यहाँ पर भी आएगा हमारा 10,150। फर्स्ट मशीनरी का तो काम बेटा यहाँ तक हो गया था। सेकंड मशीनरी थी 4750, इसमें से लेस करेंगे 475, तो बच जाएगी बेटा 4275। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19। क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 एक बार हम देख रहे हैं। दिया गया है हमें कि एक्स बॉट अ मशीन फॉर 25,000 ऑन विच ही स्पेंड 5,000 फॉर कैरेज एंड फ्राइट, 1,000 फॉर ब्रोकरेज ऑफ द मिडल मैन, 3,500 फॉर इंस्टॉलेशन एंड 500 फॉर एन आयरन पैड। द मशीन इज डेप्रिशिएटेड 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। आफ्टर 3 ईयर्स द मशीन वॉज सोल्ड टू वाई फॉर 30,500 एंड 500 वॉज पेड एज कमीशन टू द ब्रोकर्स थ्रू हुम द सेल वॉज इफेक्टेड। फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो बेटा स्टार्ट करते हैं इसे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। तो यहाँ लिखा जाएगा जी मशीन जो हमने खरीदी थी, तो यहाँ लिखेंगे जी मशीन जो हमने खरीदी थी उसकी वैल्यू क्या थी? 25,000। उसके अंदर खर्चा हुआ किस पे? कैरेज और फ्राइट के ऊपर। उसको ऐड कर देंगे जो कैरेज और फ्राइट के ऊपर खर्चा हुआ है, एंड फ्राइट, कैरेज एंड फ्राइट का जो खर्चा है उसको ऐड करेंगे। वो कितना हुआ था? 5,000 रुपीज़ का। उसी के ऊपर 1,000 ब्रोकरेज का भी खर्चा हुआ, तो बेटा ऐड करेंगे ब्रोकरेज, क्योंकि सारा पैसा कैरेज का हो ब्रोकरेज का हो हमारी ही बिजनेस की पॉकेट से जाएगा। 1,000 को ऐड करेंगे इंस्टॉल करवाने का पैसा, प्लस क्या करेंगे? इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन का पैसा भी बिजनेस की पॉकेट से ही जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3,500। और यहाँ एक और चीज़ ऐड होगी, क्या? आयरन पैड का पैसा बेटा। तो ये लिखेंगे आयरन पैड, और कितना पैसा जाएगा उसका? 500 रुपीज़। तो जो टोटल है हमारा, यानी कि जो टोटल मशीनरी हमारे बिजनेस को पड़ गई है, वो 25 की मशीनरी सारी चीज़ें लगाने के बाद वो पड़ गया बेटा हमारे पास 35,000 रुपीज़ की। वो मशीनरी हमारे बिजनेस को पड़ गई है, ठीक है, इतना पैसा हमें देना पड़ा। उसके बाद आपको यहाँ बोला गया है कि आपको डेप्रिसिएशन काउंट करके बताना है कि आखिरकार ये कितने साल बाद। यहाँ पे दिया गया है कि आफ्टर 3 ईयर बाद उन्होंने उसको सोल्ड किया है, तो उस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस? 3 साल बाद सोल्ड किया। तो बेटा यहाँ पर देखेंगे, अभी तो हमने इसको परचेज ही किया है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 3 साल के बाद की बात चल रही है। तो अगर हम फर्स्ट ईयर लगाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कितना आ जाएगा। फर्स्ट ईयर के ऊपर हम क्या लगा रहे हैं बेटा? डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर के अंदर अगर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं किस रेट के हिसाब से? 10% के हिसाब से। तो 10% के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से अगर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो वो कितना होगा? तो यहाँ उसकी जगह बना लेते हैं और करते हैं जी 35,000 का फर्स्ट ईयर। यहाँ आएगा 10/100, तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 3,500। 3,500 से वैल्यू क्या हो गई? लेस हो गई है। तो यानी वैल्यू कितनी रह गई है? 31,500। अब यहाँ क्या लिखेंगे? सेकंड ईयर में उसकी जो वैल्यू कम हुई, यहाँ क्या लिखा जाएगा? सेकंड ईयर में जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, यहाँ लिखेंगे जी डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन भी किससे? 10% के हिसाब से। तो यानी कि वैल्यू जो है वो है 31,500 के हिसाब से देखना है 10% का। तो यहाँ लिखेंगे जी 31,500
1500 का 10% की जो बैलेंस अमाउंट होता है उसके ऊपर ही लगाते हैं। तो यहाँ डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 3150। तो इसको लेस करेंगे डेप्रिसिएशन को, 31,500 में से 3150 डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे तो वैल्यू क्या रह जाएगी, 28,350। फिर लेस करेंगे क्या, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन यहाँ से लेस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे जी डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन यहाँ लगाएंगे किसके ऊपर, 28,350 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 28,350 के ऊपर 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, वो कितना आ जाएगा, 2835, 2835। तो 3 सालों के बाद जो मशीनरी हमारी 35,000 की हमने परचेज की थी, 3 साल के डेप्रिसिएशन लगाने के बाद उसकी जो वैल्यू बची है वो कितनी बची है, 25,515। ठीक है, कौन सा मेथड यूज़ किया था डेप्रिसिएशन का हमने, रिटर्न डाउन। बेटा इस मशीनरी को हम लोगों ने सोल्ड किया, बेचा, तो बेटा जो मशीनरी हमारी 3 साल के बाद 25,515 रुपये की बची, इसको हमने क्या किया, सोल्ड किया, इसको बेचा गया। तो इसमें से क्या कर देंगे, लेस करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे जी सोल्ड फोर, जो हमने इसको सोल्ड किया है, और सोल्ड कितने में किया है वो भी बताया था जी, सोल्ड फोर। यहाँ पे देखेंगे कि हमने सोल्ड किया था इसको 30,500 में, और हमें 500 रुपये देने पड़ गए थे किस चीज़ के बेटा, एज अ कमीशन ब्रोकर को। तो हमारी सेल तो कितने में हुई भाई, 30,000 में हुई हमारी सेल जी, कितने में हुई, 30,000। 30,500 के अंदर हमने 500 तो ब्रोकर को दिए, तो बिजनेस में तो 30,000 ही आए। तो बेटा 25,515 का सामान अगर हम 30,000 में सेल करते हैं तो हमारे बिजनेस को क्या हो गया, गेन हो गया, इसको प्रॉफिट हो गया। वो भी कितना प्रॉफिट हो गया, वो लिखेंगे 4,485 रुपीज़ का क्या हो गया, प्रॉफिट। मैं आपको करके भी बता देता हूँ बेटा, प्रॉफिट यहाँ देखोगे ना, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट कैसे हो गया, आप 30,000 रुपीज़ में सेल कर रहे हो और सामान कितने का है, 25,515, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 4,485 रुपीज़ का बिजनेस में क्या हो गया, गेन, ऐसे क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा कवर हो गया, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। आप देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया गया है कि अ कंपनी परचेज्ड अ मशीन फॉर 50,000 ऑन 1 अप्रैल 2019, अनदर मशीन कोस्टिंग ₹10,000 वॉज परचेज्ड ऑन 1 दिसंबर 2020। ऑन 31 मार्च 2022 द मशीन परचेज्ड इन 2019 वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000। द कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 15% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, प्रीपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। सिंपल एज डैट, हमें एक मशीनरी अकाउंट को ड्रॉ करना है, 15% के हिसाब से हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसे हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम मशीन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने ड्रॉ कर रखा है इन दी बुक्स ऑफ अ कंपनी, किसी कंपनी की बुक में हम मशीन अकाउंट को ड्रॉ करें, डेबिट क्रेडिट हमने सारा बना रखा है। तो सबसे पहले परचेज करेंगे, कौन सी डेट को परचेज करेंगे, दिया गया था 2019 को, तो यहाँ लिखा जाएगा 2019, और वो भी महीना कौन सा था बेटा, अक्टूबर। यहाँ लिखेंगे मंथ है अक्टूबर 1, और यहाँ क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, यहाँ क्या लिखा जाएगा, टू कैश अकाउंट। मशीनरी 1 को हम लोगों ने परचेज किया है, उसकी वैल्यू क्या है, 50,000, और कुछ तो है नहीं, 15% के हिसाब से इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो सेशन क्लोज करेंगे 2020, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी 1 के ऊपर हम डेप्रिसिएशन काउंट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू है 50,000, मल्टीप्लाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 15%। एंड यहाँ आप देखेंगे अक्टूबर से लेकर हमने मशीनरी का यूज़ किया मार्च तक, तो टाइम कंसिडर किया जाएगा
6 मंथ, तो वो आ जाएगा आपका 3,750। आप टोटल करेंगे तो टोटल जो आपका आएगा वो आ जाएगा 50,000। यहाँ पर भी आप लिखेंगे 50,000, और जो बैलेंस बच जाता है तो वहाँ लिखेंगे, यहाँ पर मार्च 31 को लिखा जाएगा बाय बैलेंस कैरेड डाउन। 50,000 में से लेस करेंगे 3,750, ये आ जाएगा हमारा 46,250। बैलेंस कैरी डाउन अपने नेक्स्ट क्या बन जाता है, ब्रॉड डाउन। और यहाँ टोटल के लिए आप क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ पर। तो बैलेंस कैरी डाउन अगले दिन क्या बन जाता है, बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो यानी कि मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल 2020, यहाँ लिखा जाएगा अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना 46,250। फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर हमने कब 1 दिसंबर को क्या खरीदी है, एक और मशीन परचेज करी है। कब 1 दिसंबर को जो परचेज करी है तो कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे दिसंबर 1 को हमने एक मशीनरी परचेज की थी, मशीनरी परचेज करेंगे तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, टू कैश अकाउंट। और मशीनरी हमारे बिजनेस की कौन सी होगी, दूसरी मशीनरी। कितने वैल्यू पे हमने उसको परचेज किया है, 10,000 रुपीज़ पे हमने उस मशीनरी को परचेज किया है। अब और कुछ तो है नहीं, तो सीधा क्या लगा देंगे, डेप्रिसिएशन लगा देंगे। कौन सी डेट को, 2021, और यहाँ आएगा मार्च 31। यहाँ लिखेंगे क्या, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हमारे बिजनेस में कितनी मशीनरी हैं, 2 मशीनरी हैं, दोनों के ऊपर क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे मशीनरी 1, उसके कैलकुलेशन, यहाँ आएगा मशीनरी 2 और उसकी कैलकुलेशन। तो मशीनरी 1 आप देखेंगे कितनी वैल्यू की थी, वो थी 50,000 की। मेथड है रिटर्न डाउन, तो यानी उसकी जो वैल्यू अब रह गई है बची हुई, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है 46,250 रुपीज़ की हमारी क्या है, मशीनरी है। तो 46,250 रुपीज़ की मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे 15% के हिसाब से, मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम बिल्कुल नहीं करेंगे बेटा। क्यों, क्योंकि आपने अप्रैल से लेकर मार्च तक इसका यूज़ किया है, तो पूरा साल भर किया है, तो इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगा। दिसंबर से लेकर मार्च तक, यानी कि आपने इस मशीनरी का यूज़ दिसंबर में किया, जनवरी में किया, फरवरी में किया, मार्च में किया, आपने 4 महीने इसका यूज़ किया है, तो टाइम भी कितना लिया जाएगा, 4 महीने। मशीनरी थी बेटा 10,000 रुपये की, 10,000 इंटू में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 15%, और यहाँ टाइम कंसिडर किया जाएगा 4 मंथ, फ्रॉम दिसंबर 1 टू 31 मार्च, 4 मंथ्स आ गया। तो फर्स्ट का डेप्रिसिएशन हमारा जो आएगा वो आएगा 6,937, और सेकेंड मशीनरी का हमारा डेप्रिसिएशन आएगा 500 रुपीज़। दोनों का सम अप करेंगे तो ये आ जाएगा 7,437। फिर हम यहाँ टोटल करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे तो टोटल जो आ जाएगा वो हमारा क्या आएगा, 56,250, और बिल्कुल इसी के आगे यहाँ लिखा जाएगा 56,250। यहाँ पर इसको टोटल करेंगे, यहाँ क्या लिखा जाएगा, मार्च 31 बाय बैलेंस कैरेड डाउन मशीनरी 1 मशीनरी 2। ध्यान देंगे, फर्स्ट मशीनरी स्टार्टिंग में कितने की थी, 46,250 की, जिसकी वैल्यू कितनी कम हो गई है, 6,937 से कम हो गई है, तो उसकी वैल्यू कितनी बची है, 39,312। फिर जो हमने दिसंबर में एक मशीनरी खरीदी थी उसकी कीमत कितनी थी, 10,000, उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई, 500 से, अब कितनी वैल्यू रह गई, 9,500। और इनको टोटल करेंगे तो आ जाएगा 48,812। तो बैलेंस कैरी डाउन अपने नेक्स्ट डे क्या बन जाता है, बैलेंस ब्रॉड डाउन। यानी कि मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल, ये तो सेम रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे 2021 अप्रैल 1, यहाँ आएगा 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना आएगा,
48,812, मशीनरी वन, मशीनरी टू। मशीनरी वन में आएगा 39,312 और मशीनरी टू में आएगा 9,500। फिर थर्ड ईयर के अंदर क्या था, इसके अंदर हमने एक मशीनरी को सोल्ड किया था, वो चेक करते हैं कौन सी मशीनरी को हमने सोल्ड किया था। अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की एस 20 के अंदर हमें दे रखा है कि ऑन 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 को क्या दिया गया है, द मशीन परचेज्ड इन 2019, जो मशीनरी हमने 2019 में ख़रीदी थी, इनकी जो 50,000 की इनकी मशीनरी वन जो हम लोगों ने 50,000 की परचेज की थी, उसको हम सोल्ड कर रहे हैं सेशन बिल्कुल एंड होने के बाद, एट अ लॉस ऑफ 5,000 के लॉस पर इसको सोल्ड किया जा रहा है। सिंपल सी बात है, अगर सेशन एंड में ये सारा काम हो रहा है तो दोनों मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2022 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी वन मशीनरी टू। तो मशीनरी वन की कैलकुलेशन यहाँ करेंगे और मशीनरी टू की यहाँ। तो मशीनरी वन की वैल्यू है कितनी गई थी, 39,312, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 15%, टाइम लेंगे नहीं क्योंकि पूरे साल हमने इस मशीनरी का यूज़ किया है। सेकंड मशीनरी 9,500 मल्टीप्लाई 15/100, इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5,897, जो फर्स्ट मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन काउंट होगा। सेकंड मशीनरी के ऊपर 1,425, ठीक है। तो बेटा यहाँ देखेंगे टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 7,322। अब हमें बताया गया है कि फर्स्ट मशीनरी को सोल्ड कर दिया, तो यहाँ लिखा जाएगा क्या, मार्च 31 बाय कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में बेटा मशीनरी वन को सोल्ड कर रहे हैं तो बिजनेस के पास पैसा कितना आया, जो हमारे पास पैसा आया है इसको सोल्ड करने थे, यहाँ बताया गया कि जी लॉस पर 5,000 के लॉस पर जितनी भी वैल्यू की मशीनरी थी, तो यहाँ ध्यान देंगे मशीनरी थी बेटा 39,312 की, माइनस करेंगे ये जो वैल्यू है, कितनी वैल्यू है जो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा, 5,897, ठीक है। इसको लेस करने के बाद आप देखेंगे जो इसकी वैल्यू रह जाएगी मशीनरी की, वो रह जाएगी 33,415, ये वैल्यू रह गई। इतनी रुपए की मशीनरी हमारे बिजनेस में थी और हमने इसको 5,000 के लॉस पर, तो लेस करेंगे इसको लॉस को, लॉस को लेस करेंगे 5,000 के लॉस पर हमने इसको सोल्ड किया, तो हमने कितने में सोल्ड किया, 28,415। लिखा जाएगा 28,415 पर हमने फर्स्ट मशीनरी को सोल्ड किया, तो हमें नुकसान हुआ, नुकसान को यहाँ दिखाया जाएगा, यहाँ लिखेंगे मार्च 31 और बाय लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में आप शो करेंगे लॉस, लॉस कितना हुआ है 5,000 रुपीज़ का, ये दिखाया जाएगा, बाकी कुछ है ही नहीं, फर्स्ट मशीनरी को सोल्ड कर दिया, सेकंड मशीनरी बिजनेस में अभी भी है आपके। तो पहले टोटल लिखेंगे क्या आएगा, 48,812, यहाँ पर भी लिखा जाएगा 48,812, और जब जो बैलेंस हमारा बच गया मशीनरी को, यहाँ लिखेंगे मार्च 31 बाय बैलेंस कैरेड डाउन। सेकेंड मशीनरी जिसकी वैल्यू थी 9,500 रुपीज़, उसकी वैल्यू बेटा कितनी कम हो गई है, 1,425 से कम हो गई है, तो अब उसकी वैल्यू कितनी बची है, यहाँ लिखा जाएगा 8,075, ठीक है। तो हमारे 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।